हेलो एवरीवन, मैं काजिम अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजिम अली ऑफिशियल। तो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। दोस्तों, हर कोई, हर इंसान प्रॉब्लम में फंसता है, और अगर आप भी फंसते हों तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर वो जज्बा आएगा, वो ताकत आएगी कि आप प्रॉब्लम से झट से निकल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम, डोंट थिंक अबाउट प्रॉब्लम, जस्ट थिंक अबाउट सॉल्यूशन। कि आप कभी प्रॉब्लम में फंसे तो किसके बारे में सोचें? प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें, बल्कि सॉल्यूशन के बारे में सोचो। मैं आज ऐसी ही एक स्टोरी बताने वाला हूं जो प्रॉब्लम में सोचने की वजह से बहुत देर फंसा रहा, फिर एक सॉल्यूशन बताने वाला आया तो सॉल्यूशन की वजह से वो निकल गया। तो दोस्तों, आइए वो स्टोरी सुनाऊं जिसे सुनकर आपके खोपड़ी और दिमाग भी, माइंड भी खुल जाएं। दोस्तों, ये स्टोरी यह है कि एक बहुत इंटेलिजेंट शख्स था जिसके पास एक कार थी। वो कार लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। सामने एक ब्रिज पड़ता है, बहुत लंबी ब्रिज। उस ब्रिज पर चलते चलते वो बीच में पहुंचता है तो उसका टायर पंचर हो जाता है। वहीं पंचर टायर होने की वजह से वो परेशान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। वो समझता है कि प्रॉब्लम आ गई। तो दोस्तों, जब प्रॉब्लम आई तो उसने सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने सोचा प्रॉब्लम के बारे में। तो दोस्तों, जब वो टायर बदलने लगा तो बदलते बदलते उसके जो नट बोल्ट को निकाल कर उसने साइड में रखा था, उसके लात से लगने की वजह से, उसके पैर से लगने की वजह से नीचे समंदर में, खाई में गिर जाता है। अब वो प्रॉब्लम में आ जाता है कि आखिर करूँ तो क्या करूँ, यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नज़र नहीं आ रहा है दूर दूर तक। मेरे दोस्तों, अब बात ये बनती है कि क्या वो इस प्रॉब्लम से, अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहे तो प्रॉब्लम से निकल सकता है या नहीं। दोस्तों, कोई भी अगर प्रॉब्लम के बारे में सोचता है तो प्रॉब्लम से निकल नहीं सकता। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम में सोचते सोचते जब आगे बढ़ा तो सामने से देखा कि एक चरवाहा बूढ़ा चला आ रहा है। तो उस बूढ़े ने उस शख्स को परेशान देखकर पूछा कि सर जी, बात क्या है बताइए, आप परेशान मालूम होते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि अरे जाओ यार, तुम क्या करोगे, मैं इतना इंटेलिजेंट कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्या कर पाओगे। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है। जब उसने ऐसा कहा तो वो समझ गया कि वाकई लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो उसने कहा कि बताओ तो सही, बात क्या है। तो उसने कहा, उसने वाक्य बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, नट बोल्ट हमारा नीचे गिर गया है, कैसे आगे जाओ। तो उसने कहा कि 10 किलोमीटर यहीं पर है, जाओ वहाँ जाकर बना लेना। तो उसने कहा कि बूढ़े में पागल तो नहीं हो गए, 10 किलोमीटर कैसे जाएगा, एक कदम पड़ना मुश्किल है। तो उस बूढ़े मियाँ ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है, और उसने कहा कि भाई साहब, आप कहाँ सो रहे हैं, आपके पास अब भी 3 टायरों में नट बोल्टू बाकी हैं, उनमें से एक एक नट बोल्टू निकाल लीजिए और इस टायर में लगा दीजिए, आप 10 किलोमीटर आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों, वो इंटेलिजेंट हैरत में पड़ गया कि इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे जिक्र व फिक्र में और मेरे ख्याल में भी ये नहीं आया कि मैं ऐसा कर लूँ, ये चुटकी में कैसा सॉल्व कर गया। तो उसने पूछ लिया कि चाचा एक बात बताओ, तो आपको इतनी जल्दी सॉल्यूशन कैसे आए। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो फट से आपको सॉल्यूशन निकल आएगा। ऐसा ही हुआ उसके साथ। उसने जो जवाब दिया, कहा कि मेरे इंटेलिजेंट भाई, आप सोच रहे थे प्रॉब्लम के बारे में और मैं सोचा सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन फौरन निकल आए। तो मेरे दोस्त, अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम के बारे में मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट प्रॉब्लम, जस्ट थिंक अबाउट सॉल्यूशन। तो मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो उठाकर इस वीडियो को फेंक दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।